अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं आपका होस्ट फ्रांसिस विलियम। आज इस वक्त मैं सेंट टॉरस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर रंगारंग रमज़ान मेला लगा हुआ है और ईद की फरोख्त की जा रही है। आवाम भी यहाँ पर परजोश है और हमारे साथ साथ देखा जाए तो म्यूजिशियन भी है, मैजिक वाले भी हैं और चार्ली चैप्टर जिनको आप देखते थे टीवीज़ में आज से तकरीबन कोई 20 या 30 साल पहले, जो अमेरिकन था चार्ली चैप्टर, और आज हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है, हमारे पास है सेंट टॉरस में, और मैजिक वाले भी भाई हैं। आज इनसे बात करेंगे कि ये क्या चक्कर होता है, क्या लोगों को आप इस तरह हैरान कर देते और परेशान कर देंगे और कागज़ के साथ 100 का नोट बना देते हैं, तो हमें भी ज़रा चेक करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्बास नन्ना। अच्छा अब्बास भाई, ये आपका सवाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टॉल है। और तो अच्छा चलो जी ठीक है जी, आपका स्टॉल है, हमने कौन सा कहा जी, साढ़े असी इतने पकियां बेचने आए हैं। और मजा भी नहीं है। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, रमजान भी है, मुबारक महीना भी है और ईद भी चंद दिन ही रह चुके हैं और लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और साथ में इन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है, लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को कि मैजिक कैसे होता है उसकी ट्रिक्स बताते हैं, तो हमें भी ज़रा थोड़ा सा बताएंगे, हमारे नाज़रीन को भी बताएंगे क्या होता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको 5 साल पहले देखा, तब भी 51 था, 60 पूरा नहीं हुआ भाई का, है ना। देखिए जी हम मतलब हाफ सेंचुरी हमने रखी हुई है, पूरे नहीं जाते। देखिए जितने भी आप क्रिकेट भी खेलते होंगे वो कोई 99 पे आउट हो जाता है, हम 50 पे रखे हैं, मुझे 50 पसंद है, मैं 50 करके ही आउट होता हूँ। 51 तो ये अच्छा, ये बताइए उसके साथ साथ कि ये क्या क्या चीज़ें आपने रखी। ये मैजिक है, आप देखते होंगे मैजिक, अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पे भी मेरे शो देखते होंगे काफ़ी सारे, और ये मैजिक है, मैजिक ऐसा एक आर्ट है, आपको पता है ऐसा आर्ट है कि जहाँ पे आप घूमगे जो नहीं बोल सकते ना कुछ सुन सकते वो भी हमारा आर्ट समझते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है, अगर वहाँ पे आतिफ असलम को 1.5 करोड़ रुपया दे के खड़ा कर दें तो वो नहीं सुनेंगे, हमारी ये चीज़ समझ भी जाएंगे, देख भी सकेंगे, ऐसा आर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा आर्ट है कि आप देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान की नज़र तेज़ होती है ना, इससे क्विकली कोई चीज़ नहीं, अगर इसको हमने काबू करना है तो इससे भी तेज़ होना पड़ता है, एक ऐसी चीज़ है ये। अच्छा ये हमारे नाजरीन को भी बताइए क्या क्या चीज़ें आपके पास जो मौजूद है जो ज़्यादा लोग शौक से देखते हैं। ये जैसे आपसे भी बात करेंगे जरा, जैसे ये मैजिक रॉड है हमारे पास, अगर इस मैजिक स्टिक को इसको अपनी प्रैक्टिस के तौर पे, इतनी सॉलिड रॉड है, अगर यूँ करता हूँ ना मैं ऐसे 1 2 3 बोलता हूँ, सामने देखते रहना 1 2 3 यूँ करते तो ये गायब हो जाएगी, देख रहे हैं। अच्छा ये गायब नहीं, मैंने बाजू में रख ली थी आपको ऐसे करके, अगर इसको हाथ पे ऐसे रोकना चाहे ऐसे ये रुक भी नहीं सकती, अगर एक वेन पकड़ेंगे यूं करेंगे तो फिर ये रुक जाएगी, ये जितनी मर्जी लाए, पता है क्यों रुकी हुई है, मैंने उंगली रखी है, उंगली रखी है ना। अच्छा ये एक मतलब अच्छा बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को और बड़ों को। हाँ ये एक है स्टिक, लेकिन आपको एक दिखने में होगी, अगर यूँ करूँ तो ये 2 भी हो जाएगी, सॉरी आपका ये 2 हो जाएगी, और इस तरह करके ये नहीं, ये स्टिकों को हम जितना मर्जी चाहें फोल्ड करते जाएं और बनाते जाएं और दिखाते जाएं, 2 से 3 बड़ी अच्छी ट्रिक है, इस तरह की ट्रिक्स होती हैं हमारी। अच्छा, जो और भी हमारे नाजरीन को दिखाया, और ताकि जो हमारे साथ देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को एंजॉय करें। अच्छा देखिए बिल्कुल देखने वाले, ये मेरे पास एक रेड और वाइट कलर का एक रुमाल है, अगर हम इसे ईद आ रही है डई के लिए, लड़कियाँ देती हैं बनाती भी हैं, उसको बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, लेकिन आपके देखते ही देखते ऐसा करेंगे 1 2 3 बोलते हैं, इसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ से वाइट चला जाएगा और रेड आ जाएगा, रेड कलर आ जाते हैं आपके सामने, इस रेड कलर को यहाँ पे रखते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पे 2 लड़के बुलाए ना यहाँ से, अच्छा दो बच्चे आ जाए, कोई से भी आ जाए, हमारे पास बच्चे चाहिए भाईजान, आप तो माशाल्लाह 40-50 भी क्रॉस कर गए हो, ये बच्चे ठीक रहे। हाँ जी आपको बाद में बुलाएंगे, जरा सब्र करें, सामने आए जरा, कोई आ जाए समझदार और बुला ले, ये छोटा है और अच्छा एक और बेटा आप आ जाओ बेटा, आप थोड़ा सा इस साइड हो जाओ, फेस इस साइड पे कर ले ताकि फ्रेम फुल कर ले, वाइट कर ले। 51 न्यूज़ के ऊपर आप आ रहे हो, उधर सामने देखते रहे और ला दे मामा को बता दे, हाँ के टीवी पे आ गया हूँ, टीवी पे बेटा, और मामा को बता दे क्या नाम है आपका? अहमद उरफान। अहमद उरफान, और आपका? मोहम्मद शहीर। अच्छा घर पे बता दे, अभी हम गायब होने वाले हैं, तो अभी हम सेंट टॉरस में हैं, किसके साथ आए हुए हैं जी? स्टॉल है हमारा। किन के साथ? स्टॉल है हमारा। अच्छा स्टॉल है, तो फिर ठीक है, मामा को बोल दो अभी मैं जादू के साथ ना गायब होने वाला हूँ और घर जाने वाला हूँ,
आप भी बता देना ठीक है। ठीक परेशान हो? परेशान हो? नहीं नहीं गैप नहीं कर रहे आप भाई, भाई बोझ हो गया आप बहुत जल्द से। हाँ जी अच्छा। चले भाई ये आपको पता है एक पाकिस्तान में महंगाई और ये चीजें दो गायब नहीं हो सकती कभी भी। ये ऐसे करना है, इन रस्सियों को पकड़ना है ऐसे करके, जितनी भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है इसको ऐसे नॉट लगाएं कि मैं इसका सर्कल बना दे कि मैं इस नॉट को खोल ना सकूं। ऐसे मजबूत नॉट लगाएं, इतनी मजबूत नॉट लगाएं, दो तीन चार जितनी भी है लेकिन मैं खोल ना सकूँ। हाँ इतनी मजबूत नॉट लगा दे, शाबाश गिरा लगाएं, मजबूत गिरा लगाएं, दो तीन लगा दे मैं खोल ना सकूँ। और गुड, देखिए जो बच्चे घर में रोटी खाते हैं और हेल्दी खुराक रखते हैं वो ताकतवर होते हैं ना। अंडा और पराठा खाते हैं, जो जो बर्गर है वो बर्गर ही खाते हैं। आप बेटा बर्गर तो नहीं खाते? बर्गर है। Do you like burger? चले कोई बात नहीं, ये पता नहीं फारसी बोल रहे हैं। अच्छा करे करे जोर से करे बेटा, जोर से करे। गिरे बांध रही हो, मैंने घर जाके खोल ली भी है घर। ये ना के इधर भाई साहब मैजिक वाले भाई साहब खोलते रहे। बारह ले भाई छोटे ने इतनी गिरा, एक खुल तो नहीं सकती इतनी, 25-30 गिरा लगा दी इसने। मेरे वाली भी चेक करें, खुलती तो नहीं गिरा, इतनी मजबूत गिरा है खींच के, ये मजबूत गिरा। अच्छा इस छोटे ने भी गिरा लगा दी, अब तीनों रस्सियों पे गिरा है, समझदारी है। हाँ सीधा करूँगा, सारा सीधा करके ये गिरा तीनों पे गिरा है। अगर इन गिरा को खोलेंगे ऐसा करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपने देख रहे हैं। लेकिन खड़े खड़े ऐसा करूँगा, सिर्फ 1-2-3 बोलूँगा, ऐसे करेंगे तो बगैर गिरा खोले एक दूसरे के अंदर रस्सियाँ चले जाएंगी, गिरा वैसे की वैसे इनकी रहेंगी, रस्सियाँ क्रॉस कर चुकी हैं। इन दोनों के लिए तालियाँ बजा दें बहुत सर। बड़ा अच्छा आर्ट है, और इसके साथ साथ और भी वो कोई कबूतर वगैरह वाला नहीं है? वो भी थोड़ा आप जब तक चार्ली अंकल से करेंगे फिर मैं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे साहब अब चार्ली भाई भी मौजूद हैं जो बड़े फनी हैं और बड़े खुश मजाज हैं। आज के दौर में हर इंसान जो है परेशान होता है, और वाहिद ये एक चेहरा होता है जो हर सड़क के किनारे हर इशारे पे आपको मिलेगा मुस्कुराता हुआ। आप इशारे पे नहीं मिलेगा मेरे भाई। अच्छा अब इनका लेवल बन चुका है ना, लेवल बन चुका है। आप देखें मेरा भाई, देखें मैं खबरें भी पढ़ चुका हूँ, मैं रेडियो भी कर चुका हूँ। क्या बात, अब रेडियो पे वहाँ पे ये होता है ना कि अच्छे भले ऑफिसर थे, कम वक्त मारवी ने नौकर बना दिया। क्या बात, अरे दरवाजा खोलती हो वसाल की माँ, आ गई हो? जी आ गया। कहाँ पे आप? इधर किचन में बर्तन धो रही थी, कुछ बर्तन बाकी हैं। क्या मतलब, अब बर्तन भी मैं धोऊं? नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बैठिए, चाय पियेंगे आप? हाँ पी लेंगे। तो फिर बाजार से दूध लाइए, दूध वाला भी अभी नहीं आया। अच्छा इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि मतलब कि आप बड़े अच्छे एक्ट करते हैं और आवाम को खुश करते हैं। अच्छा जो आपने जो एक गाना बनाया है, आप मुझे थोड़ी देर पहले सुना रहे थे ऑफ कैमरा, आप जरा हमारे नाजरीन को सुना सकेंगे वो किन के मुतालिक है और किन को निशाना जा रहा है, जरा सुनाइए। मैं पॉलिटिशियन के बारे में बिल्कुल जरा बुरा भी बात नहीं करूँगा, नो कमेंट पॉलिटिशियन के बारे में, नो कमेंट। अच्छा जो गाना बनाया वो तो मैं कुछ भी नहीं, कैमरे ना देखे, डर गए नाजरीन। नहीं जी मैं यहाँ पे ऐसे फर कर रहे थे, सुना रहे थे भाई, देखें मैं मजबूरन जो था ना थोड़ा सा गुनगुना दे ताकि आवाम भी खुश हो जाए। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैं कैदी 804 का फॉलोअर था, मैंने यूनिक लिखा, यूनिक परफॉर्म किया, और अब मेरा मन नहीं करता बात करने को। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, और थोड़ा सा गाना सुना दे आवाम को, थोड़ा सा मतवजो कर दे। चले मैं और कोई और कुछ चीज सुना देता हूँ। वही सुनाए जो मुझे सुनाई। नहीं नहीं मैं वो नहीं सुनाऊंगा। देखे मेरी बात सुने, मैं आपको स्पेशली चाय पिलाऊंगा, आपकी चाय वाली बात ही नहीं, चाय वाली बात नहीं, थोड़ा सा सुना दे आवाम देखे कितनी चाय। तो वो भी रिक्वेस्ट कर रही है। नहीं चाय तो आप पिलाएंगे जी जी, तो चंद कितना गुजारी है रात वे जी। ना 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 ना, आप हमारे साथ होंगे, आप हमारे प्यारे भाई हैं, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, बस थोड़ा सा गाना। आप नहीं जाने देंगे, आप नहीं जानेंगे। मैं 600 से ज्यादा मेरे इंटरव्यू में, मैं मीडिया को भी जानता हूँ, आजाद मीडिया कब आजाद मीडिया। मेरी बात सुने, अगर आज ही आपने गाना सुना दिया हो सकता है रातों रात आप चंद पे चले जाए। ना 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 ना, मैं गाना नहीं सुनाऊंगा। नहीं ना सुना दे प्लीज प्लीज। मैं इसके अलावा यूनिक कुछ छोटा सा यूनिक मेरे से परफॉर्म कर लें। पॉलिटिशियन के बारे में बात है, मैं नहीं करूंगा। नहीं पॉलिटिक्स पे हम बात कर ही नहीं, हम तो आपसे गाना सुनना चाह रहे हैं। वो देखें लोग मुंतजर, वीडियो बढ़ती जाएगी, चेहरे देख लें, सारे वेट कर रहे हैं, कोई गाना बड़ा मजेदार होगा और बड़ा जबरदस्त होगा। थोड़ा सा वीडियो सा सुना दे, देखे लोग भी
चलें चलें, इसके अलावा मैं और कुछ सुना देता हूँ जो आजकल के हालात के मुतालिक, हालात के मुतालिक मैं सुना देता हूँ जो हालात के मुतालिक। पानी का बॉल बाला, हुकूमत पानी का बोल बाला, इकतदार पानी का बोल बाला, चार दिना दी हुकूमत कुछ खा ले पी ले मौजूड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजूड़ा, सारे गामा पादा नहीं सा, सारे गामा पादा नहीं सा, पानी का बोल बाला। फिर आ जाएगी बात सारों की, यार बस इतना ही काफी है। जाने दे जाने दे जाने दे, थोड़ा सा और थोड़ा सा यार यहाँ पे मुल्ला की नवाज की शबाज की जरदारी की रहमान की तालियां साथ, मुल्ला की नवाज की शबाज की जरदारी की रहमान की, एम मुल्तान की लाहौरी पहलवान की गुजराती मर्तबान की, यार वली खान की असम्बली अरकान की, ये पैसे दी दुकान कीमत वधान कुछ पीण कुछ खान बाकी बाहर लेके जान, जिला वतन कहला फिर इलेक्शन आन मंगे हर इंसान, रोटी कपड़ा मकान क्यों होवा परेशान, अगे वधे पाकिस्तान जिवे चीन ते जापान, सारे बोलो पानी का बोल बाला, हुकूमत पानी का बोल बला। ये असल में जो है ना तमाम हुकूमत पे है, यूँ हुकूमत जो भी हो। चले बड़ा अच्छा गाना था, बड़ा अच्छा लगा, और खुश रहे, मुस्कुराते हैं, खुशियाँ बांटते रहे, क्योंकि अगर आपकी जगह यहाँ पे, अगर आपकी जगह यहाँ पे फीमेल होती, एक लाहौर में मेरा उसने इंटरव्यू किया था मीडिया वाले ने, फिर मैंने उसे बताया, मैंने उसे सुनाया। नहीं नहीं तो हमें भी पूछे क्या सुनाया, क्या ये मैंने कहा बगल दी चुंज वालिए मुटे यार नी जरा मुख नू ऐदर मोड़, बगल दी चुंज वालिए मुटे। भाई मेरी तो ना तो बगले जैसी चुंज है और ना तो वो है, मैं बिल्कुल सिकरी तैनू। नहीं नहीं मैं तकरीबन चार दफा तो बहुत अच्छा करता हूं ना। गोडे गोडे सिकरी तैनू फिर भी लगे चंगी मैनू, तेरा मुंह जिवे इछरा मोड़ नहीं जरा मुख नू ऐदर मोड़, बगल दी चुंज वालिए मुटे यारे नी। आम तैनू ना 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 आम तैनू फिल्म विखावा नाले तैनू टुरना सिखावा, आम तैनू फिल्म विखावा नाले तैनू टुरना सिखावा, तेरी खुसरियां वर्गी टोर नी जरा मुख नू ऐदर मोड़, बगल दी चुंज वालिए मुटे यारे नी। और जाते जाते 51 के तवसल से मैं ये बात करना चाहता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, बुलेटिन पढ़ी। हेलो एवरीबॉडी, सच्ची खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान रामजादा, अपना साथ करवाएं। जी जी, मैं हूं फ्रांसिस विलियम आपका होस्ट। आप देख रहे हैं चैनल 51। बलोचिस्तान में चूहों की हुक्मरानी, चूहों का सरकारी इजलास, सेक्रेटरी बलोचिस्तान के अहकामात को तवज्जो सुनने के बाद चूहों ने सबसे पहले सरकारी केक का सफाया किया और सरकारी सरमाए को हड़प करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने चूहों को सराहते हुए दीगर अहलकारों को चूहे की पैरवी करने की हिदायत की। अपना चले जी, मेहरबानी। अच्छा आखिर में ये जाते जाते आपसे ये छोटा सी इल्तिजा है, अच्छा ईद आप यहाँ पे करेंगे या घर वाले? जी देखें जी, हालात अब आ गई बात सीधी सीधी, हालात पाकिस्तान के सामने, हर बंदा यहाँ पे परेशान है। अगर कोई ईद का इवेंट मुझे मिलता है तो मैं इवेंट करूँगा, इवेंट करने के बाद कुछ पैसे आ जाएंगे तो फिर घर जाऊँगा, क्योंकि 20 दिन हो गए घर में था, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, चार्ली हो या टीवी हो, थिएटर हो, फिल्म हो, हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलता है, लेकिन पूरे रमज़ान में ये प्रोग्राम बंद पड़े हुए हैं, तो अब ईद का अगर हुआ तो मैं ईद पे काम करके फिर घर जाऊँगा। जी नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आपने चार्ली भाई की बात भी सुनी और उनकी गुफ्तगू भी सुनी, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, और दुआ और उम्मीद के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।